कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया को अब वैक्सीन का इंतजार है। रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच रूस के अधिकारियों ने वैक्सीन से जुड़ी एक चेतावनी जारी की। ये चेतावनी शराब के शौकीनों को निराश करने वाली है। दरअसल रूस ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है कि वैक्सीन लगने के बाद करीब 2 महीने तक शराब पीने से बचें। ये खबर रूस के लोगों को और भी ज्यादा निराश करने वाली है, क्योंकि रूस शराब की खपत के मामले में अग्रणी देशों में है। एक डेटा के मुताबिक पूरी दुनिया का 14% शराब रूस में ही पिया जाता है। ये चेतावनी रूस के उप प्रधानमंत्री तातियाना गोरिकोवा की ओर से आई है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि रूसियों को स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रभावी होने के लिए 42 दिनों के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। गोलिकोवा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि रूस के लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा, फेस मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसी के साथ ही उन्हें शराब पीने या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेने से भी बचना है। मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक साक्षात्कार में कहा गया है कि ये शरीर पर एक दबाव है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और एक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र चाहते हैं तो हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। आपको बता दें, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी के मामले में ये 9वें नंबर पर है। वहीं शराब के शौकीन भी यहाँ कम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रूस दुनिया में प्रति व्यक्ति शराब का 4था सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एजेंसी के अनुसार औसत रूसी एक साल में 15.1 लीटर शराब का सेवन करता है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में पिछले हफ्ते से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऐसे में अनुमान जताया है कि करीब 1 लाख लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। गोलिकोवा ने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक देश के बाकी हिस्सों में भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन 90% से ज्यादा प्रभावी है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉट लेने वाले चिकित्सा कर्मियों को कोरोना हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कथित तौर पर इसे लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।